दोस्तों आप देख रहे हैं देश रंग द अनसीन इंडिया, देश दुनिया की अनमोल धरोहरों का किस्सा। इस कड़ी में आज हम आपको राजस्थान के एक विशेष मंदिर के बारे में बताएंगे जो बहुत ही अद्भुत है और उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। जी हां, यह मंदिर है सांवरिया सेठ का। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित श्री सांवरिया सेठ जी का मंदिर करीब 450 साल पुराना है। मेवाड़ राज परिवार की ओर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंडफिया मंदिर कृष्ण धाम के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित सांवरिया सेठ जी मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वह पूजा किया करती थी। दरअसल लोगों की सांवरिया सेठ जी को लेकर ऐसी मान्यता है कि जितना भी यहाँ चढ़ाएंगे सांवरिया सेठ उनके खजाने में उससे ज्यादा भरेंगे। ऐसे में कई लोगों ने अपनी खेती से लेकर व्यापार तक तनख्वाह में सांवरिया सेठ का हिस्सा रखा हुआ है। ऐसे लोग हर महीने मंदिर में आते हैं और उनके हिस्से की राशि चढ़ाकर चले जाते हैं। यह राशि 2 से लेकर 20% तक होता है। दरअसल श्री सांवरिया सेठ जी का मंदिर भंडारा हर अमावस्या के दिन एक दिन पहले चतुर्दशी को खोला जाता है। इसके बाद अमावस्या का मेला शुरू हो जाता है। वहीं दिवाली के समय यह भंडारा 2 महीने व होली के समय 1.5 माह में खोला जाता है। मंदिर में लोग रसीद कटाकर नंबर 1 में भी दान कर जाते हैं। यह राशि 30 से 70 लाख रुपए के बीच में होती है। अभी हाल ही में मंदिर के दान पात्र को जब खोला गया तो उसमें से एक सोने का बिस्किट और $100 के 125 नोट मंदिर प्रशासन को मिले, जो कि करीब 8 लाख रुपए से अधिक की राशि बताई जा रही है। दानपात्र की राशि को कई दिनों तक गिनने के बाद जो कुल राशि बताई गई वह करीब 4 करोड़ रुपए से भी की ज्यादा राशि थी। आपको बता दें कि अधिकांश राशि सेवा कार्यों में मंदिर ट्रस्ट की ओर से खर्च किया जाता है, जिसमें कि चिकित्सा, धार्मिक आयोजन, विकास और मूलभूत सुविधाएं हैं। यह बात अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से 16 गाँव का विकास भी इसी धनराशि से किया जाता है। सांवरिया सेठ मंदिर में आने वाले कई भक्त NRI भी हैं। ये विदेशों में अर्जित आय से सांवरिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं, जिसमें कि अमेरिकी डॉलर, पाउंड, रियाल, दिनार और नाइजीरियाई नीरा भी शामिल है। ऐसी मान्यता है कि जिसके कारण देश के कोने कोने व विदेशों में हर साल करीब 1 करोड़ लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार हर साल करीब 8 से 9 लाख के श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। दरअसल यह मंदिर जितना भव्य है उतना सुंदर भी है और ऐसी मान्यता है कि सांवरिया सेठ जी की मूर्ति यह जमीन के अंदर से प्रकट हुई है। इस मंदिर के निर्माण में एक प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। इससे जुड़े प्राचीन इतिहास और इसके रहस्यों और इससे जुड़ी किंवदंतियों को हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए देश रंग।